शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि दिल्ली से आ रही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। अलीगढ़ में 14 सितंबर को पीएम मोदी का एक कार्यक्रम होना है जहां पर वो शिलान्यास करेंगे। जाट राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में सरकार बनाई थी। 1915 में अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनी थी। राजा महेंद्र प्रताप ने 1930 में महात्मा गांधी को पत्र लिखा था और जिन्ना के खिलाफ महात्मा गांधी को आगाह किया था। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि अलीगढ़ में 14 सितंबर को शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि यह वो नाम है जिसको लेकर कई बार चर्चा हुई। अलीगढ़ में एएमयू को लेकर कहा गया कि एएमयू की जो जमीन थी वो इन्होंने ही दान दी थी, 2 रुपए प्रति सालाना के हिसाब से। उसके बाद वहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। एक बड़े जाट राजा और पश्चिमी यूपी में जाटों की सियासत, समीकरण समझिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 14 सितंबर को ये पूरा कार्यक्रम होगा अलीगढ़ में। जाट राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में सरकार बनाई थी। प्रयागराज से खबर है, सपा सांसद आजम खां को बड़ा झटका लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी के बंद होने का खतरा बढ़ गया है। रामपुर एसडीएम के फैसले पर हाईकोर्ट की मोहर लग गई है। विश्वविद्यालय को दी गई जमीन वापस लेगी यूपी सरकार। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार को जमीन वापस लेने का अधिकार है। हाईकोर्ट की टिप्पणी देखिए, एडीएम के आदेश में कोई गलती नहीं है, विश्वविद्यालय ने जमीन पाने की शर्तों का पालन नहीं किया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच का ये फैसला है। तो एडीएम के आदेश में कोई गलती नहीं, हाईकोर्ट की टिप्पणी देखिए, प्रयागराज से आ रही है। विश्वविद्यालय ने जमीन पाने की शर्तों का पालन नहीं किया, रोहित रंजन है इनकी बेंच का ये फैसला आया है। सपा सांसद आजम खान की यूनिवर्सिटी को लेकर ये जो मामला चल रहा था जौहर यूनिवर्सिटी का, उसके बंद होने का खतरा अब और बढ़ गया है। रामपुर एडीएम के फैसले पर हाईकोर्ट की मुहर, यह खबर सामने आ रही है। विश्वविद्यालय को दी गई जमीन वापस लेगी यूपी सरकार। तो यह चीज स्पष्ट हो गई क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, सरकार को जमीन वापस लेने का अधिकार है। ये सारी टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है। अब ये क्या है पूरा विवाद, जरा वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो किसानों के जमीन कब्जाने का आरोप है। 2019 में किसानों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अजीम नगर थाने में ये पूरा मामला था। प्रशासन की जांच में आजम खान भू माफिया घोषित हुए थे। डीएम आंजनेय कुमार सिंह के कार्यकाल में ये कार्रवाई हुई थी। नियमों की अनदेखी करते हुए जमीन खरीदी गई थी, ये बात भी सामने आई। 70 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया गया था। चक्रोट की जमीनों पर भी कब्जा करने का आरोप था। 184.5 एकड़ जमीन पर ये पूरी जौहर यूनिवर्सिटी बनी है, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। हमारे दो सहयोगी हमसे सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं। आलोक मालवीय प्रयागराज से हमसे सीधा लाइव जुड़े हैं और फहीम जो है हमारे साथ रामपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं आलोक का। आलोक बताएं कि आज हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की और उसके क्या मायने हैं। ये देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय का ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट बनाए जाने के बाद अगल बगल की जो जमीनें हैं उसे जबरदस्ती अधिग्रहित किया गया। इसके अलावा नदी के किनारे की जमीनों को भी अधिग्रहण किया गया है। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी कि ये जमीन फर्जी रूप से ली गई है, अधिग्रहित की गई है और इसमें शैक्षणिक कार्य के अलावा इसमें मस्जिद का निर्माण भी किया गया है। तो ये काफी अहम बात इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार की ओर से कही गई है और कहा गया है कि यह जमीन वापिस प्रदेश सरकार को मिलनी चाहिए जिससे वह उपयोगी चीजों के बारे में इस जमीन को यूज कर सके। कई किसानों ने यहाँ पर अपनी अर्जी लगाई है कि उनकी जमीनों को जबरदस्ती अधिग्रहित करके जौहर विश्वविद्यालय में मिला लिया गया, जिससे उनको खाने पीने की भी दिक्कत हो गई और उनको पैसे भी नहीं दिए गए। तो इतनी बड़ी जो आरोप लगे थे पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के ऊपर, तो उसको सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि प्रदेश सरकार के सारी जमीनें वापिस दी जानी चाहिए। सिर्फ शैक्षणिक कार्य करने के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन
जो उसका काम है उसको व्यवसायिक रूप से किया गया, उसको मस्जिद निर्माण के रूप में किया गया, इसको हटाए जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया और प्रदेश सरकार जौहर विश्वविद्यालय और उसके आसपास की जमीनों का अधिग्रहण करेगी और उसको उपयोग में लाएगी। जी फहीम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर से। फहीम बताएं, देखिए आप कह सकते हैं कि भू माफिया पहले ही घोषित किया जा चुका है, पूर्व कैबिनेट मंत्री को एक कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के रहे हैं आजम खान, और एक आप कह सकते हैं कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर खतरा मंडराने लगा, या फिर ये कह सकते हैं खतरा बढ़ गया क्योंकि हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी है। अब इसके बाद रामपुर प्रशासन क्या कर सकता है, क्या जानकारी आपके पास है? जी देखिए, जहां तक जौहर यूनिवर्सिटी के जो सरकारी लैंड की बात है उसको थोड़ा सा मैं समझा दूं कि 12.5 एकड़ छोड़ने के बाद 172 एकड़ जमीन को जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे आंजनेय कुमार सिंह उनके आदेश पे एसडीएम सदर पीपी तिवारी ने इसकी जिन शर्तों के साथ इस जमीन को सरकार ने दिया था उन शर्तों की जांच कराई गई, उसमें उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद ये बेस जो विवाद था ये सीधा एडीएम कोर्ट की कोर्ट में पहुंचा और एडीएम कोर्ट में इसमें सुनवाई लगातार डे टू डे हेयरिंग हुई और उसके बाद जो नियम था उसके हिसाब से इसमें आदेश आया और आदेश में एडीएम कोर्ट ने ये आदेश किया कि ये जो 172 एकड़ जमीन है इसको सरकार में निहित कर दिया जाए, सरकार वापस ले ले, और इस आदेश को पारित करने के बाद जिलाधिकारी ने इसको शासन को भेज दिया। इसके बाद जो जौहर यूनिवर्सिटी के फाउंडर है वो इसकी अपील के लिए हाईकोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी दलील दायर की कि जौहर यूनिवर्सिटी को नियम तरीके से जो जिस तरीके से जमीन दी गई है उनका उल्लंघन नहीं हुआ है, और जबकि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षक कार्य हो रहे हैं और शिक्षक कार्य जहां छात्रों के हो रहे हैं वहां उस जमीन का उपयोग हो रहा है और उसमें जो उपयोग जमीन में शिक्षक कार्य के लिए हो रहा है इसलिए उसको वापस न लिया जाए, सरकार उसको निहित न करे बल्कि जौहर यूनिवर्सिटी को वापस कर दे। तो जिस तरह से 172 एकड़ जमीन का ये मामला हाई कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में अब जो आदेश आया है वो इसमें बिल्कुल ये बात तय है कि खतरा तो मंडरा रहा है लेकिन अभी भी जौहर यूनिवर्सिटी के फाउंडरों के लिए रास्ते तो कई सारे खुले हैं। अभी तो ये सिंगल बेंच का फैसला था, डबल बेंच बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है। मैं समझता हूँ आलोक, फहीम आप बने रहिए, आप बने रहिए, जो पूरा भूगोल है वो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन आलोक मालवीय के पास रुक करता हूं। आलोक देखिए, इसके बाद क्या विकल्प बचता है, अगर देखा जाए तो जौहर यूनिवर्सिटी के पास, आजम खान गुट के पास, उनके वकीलों के पास अब क्या विकल्प बचता, जरा वो समझाएं। ये देखिए, अभी सिंगल बेंच का फैसला आया है, वो डबल बेंच के लिए भी अपील कर सकते हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी अभी अपील कर सकते हैं, लेकिन जो फैसला हाईकोर्ट का हो जाता है उसी पर डबल बेंच, लार्जर बेंच हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो उसी पर मुहर लगाती है। अगर इनके पास किसी भी तरह की कोई जमीन का कागजात उपलब्ध हो या किसी ने अपील ना की हो उसके बाद से फैसला बनता है कि आप उनकी जमीनों पर कब्जा कर सके, लेकिन किसानों ने लैंड के बारे में पहले ही अप्लीकेशन दे रखी थी और उसी पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा लैंड माफिया किए जा चुके हैं आजम खान, जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने अपने रसूख का फायदा उठाते हुए जमीनों पर कब्जा किया, नदी के किनारे की जो जमीनें होती है उन पर भी कब्जा किया और इसके साथ ही अपने मनमानी तरीके से निर्माण किया है, जौहर विश्वविद्यालय बनाकर खुद के वाइस चांसलर आजीवन बन गए। तो इन सब चीजों को लेकर उनके ऊपर शिकंजा बराबर कसा जा रहा है, फिलहाल उनकी तबीयत भी खराब है और इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी उनको झटका लगा है, तो काफी बड़ा झटका आजम खान झटके पर झटका लग भी रहा है। आलोक देखिए, जब से जो है योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से तो देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है उनके ऊपर तमाम तरह की बातें भी सामने आ रही हैं और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ा झटका हो सकता है जौहर यूनिवर्सिटी के लिहाज से। फहीम आपके पास आऊंगा, समझाइए जरा, कहा यह भी जा रहा है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद भी बनी है उसको लेकर विवाद है, क्या इन हालातों में क्या देखा जाए, क्यों अगर डबल बेंच का भी फैसला इसी तरीके का आता है या सुप्रीम कोर्ट का भी इसी तरीके का आता है तो क्या जो शैक्षिक चीजें वहां पर होती, जो पढ़ाई लिखाई वहां पर होती, जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्या माना जाए कि यूनिवर्सिटी या पूरी तरीके से नेस्तोनाबूद के कगार पर आती जा रही है? देखिए, जहां तक जौहर यूनिवर्सिटी की बात है और उसके अंदर बनी हुई इमारतों की बात है तो मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर जो मस्जिद बनी है वो भी दान के रूप में बनाई गई है, जो कि एक कारोबार थे उन्होंने बनवाई थी। जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जो इमारतें हैं वो अपने आप में बहुत ही कीमती और बड़ी इमारतें बनी है, लेकिन उसके अंदर जो जमीन का इस्तेमाल किया गया है उस जमीन में कई सारे आरोप
आरोप लगातार लगते रहे हैं, चाहे 26 किसानों ने अपनी जमीन कब्जाने के आरोप में मुकदमे दर्ज कराए हो, चाहे इसके अलावा योगी सरकार ने 100 से ज्यादा कहीं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए हो, इसके साथ ही उनको भूमाफिया घोषित किए हो। आजम खान के खिलाफ लगातार 2019 से लोकसभा चुनाव के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है और किसी तरफ से भी ढिलाई नहीं हुई है और लगातार आज भी जारी है, और उनके ज्यादातर मामलों में पुलिस ने भी चार्जशीट दाखिल की है और चार्जशीट में उनको दोषी करार दिया है। तो जिस तरह से लगातार जो कोर्ट है उनको राहत दे रही है, लेकिन ये जो हाई कोर्ट से झटका लगा है, इसके बाद जो ये खतरा है, झटका लगा है, झटका लगा है फाइम देखिए, लेकिन बड़ी चीज ये है कि विकल्प अभी भी बचते हैं, लेकिन उस विकल्प के बाद क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुश्किलात बढ़ते जा रहे हैं आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने की। खबर लखनऊ से आ रही है, यूपी में आज से सर्विलांस अभियान की शुरुआत, डेंगू वायरल फीवर के कारण चलेगा सर्विलांस अभियान, डेंगू और वायरल फीवर वालों की पहचान की जाएगी। 16 सितंबर तक पूरे प्रदेश में यह सर्विलांस अभियान यूं चलेगा, सीएम योगी ने सर्विलांस बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। तो 16 सितंबर तक ये चलेगा, सीएम योगी ने सर्विलांस बेहतर करने के निर्देश दिए, क्योंकि मामले काफी तेजी से सामने आ रहे थे फिरोजाबाद से लेकर कानपुर उन्नाव रायबरेली तक जिलों में, और इस बीच डेंगू वायरल फीवर के कारण सर्विलांस चलाने का अभियान देखने को मिलेगा। इसके वाजपेयी हमारे सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इसके बताएं कि कार्यक्रम किस तरीके का होगा, किस तरीके से चिन्हित करेगी सरकार सर्विलांस अभियान के जरिए। बिल्कुल निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो भी संक्रामक बीमारियां वायरल फीवर हो या फिर जो किस तरीके से कोरोना पर काम हुआ है उस पर काम किया जाए, रात में बुखार को लेकर भी लगातार काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो जिले हैं खासतौर पर जैसे जिसमें फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा जो आस पास के जिले हैं या प्रयागराज जहां पर ज्यादा इस तरीके के केसेस निकल कर सामने आए हैं, वहां पर अलग से टीम भी भेजी गई है, वहां पर बड़े पैमाने पर सैंपलिंग कराई गई है और लखनऊ में उनकी टेस्टिंग भी हो रही है। तो निश्चित है कि लगातार एक दो टीम बनाई गई थी जिसमें पूरे प्रदेश स्तर के जो बड़े अस्पताल है उनके डायरेक्टर और साथ ही साथ वरिष्ठ चिकित्सकों की एक टीम है जो लगातार मॉनिटर कर रही है कि किस तरीके का इलाज वहां के लोगों को दिया जाए, कैसे पार पाया जाए, किस तरीके के स्टेप्स उठाए जाए, एहतियात के तौर पर सफाई अभियान और बाकी चीजें कैसे चलाई जाए। अच्छा, क्या माना जाए कि देखिए कोरोना काल में ट्रिपल टी का फॉर्मूला अपनाया गया था, ट्रेस करना था, उसको टेस्ट करना था, ये जो फॉर्मूला हमने देखा था ट्रिपल टी का, क्या उससे मिलता जुलता रहेगा, क्या घर घर जाएगी ये टीमें? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर लोगों को जागरूक करना, साफ सफाई के लिए लोगों को बताना और साथ ही साथ किस तरीके से वो इससे बच सकते हैं, अगर अगर किसी को इस तरीके की समस्या है तो वो कहाँ पर संपर्क करें, एहतियात के तौर पर प्राथमिक दवाएं क्या लें, इन बहुत सारी चीजों की जानकारी इन टीमों के द्वारा दी जा रही है। हालांकि पूरे प्रदेश भर में जो नगर विकास विभाग है उसकी तरफ से भी अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सफाई अभियान शामिल है, साथ ही साथ जो लगातार पूरे प्रदेश भर में ट्रेसिंग है वो भी तेजी के साथ चालू करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। हालांकि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार संचारी रोग नियंत्रण अभियान साथ ही साथ दस्तक अभियान चला चुकी है जिसमें घर घर जाकर लोगों के फीडबैक लेना, अगर किसी को भी इस तरीके की कोई समस्या है तो उसको फौरी तौर पर जो प्राथमिक दवाएं हैं वो उपलब्ध कराना, उसको एहतियात के बारे में बताना, ये अभियान पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार चला चुकी है और ये दूसरा मौका होगा जब इस तरीके की चीजें कई जिलों से निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार हर अच्छा फोकस कौन कौन से जिलों पर होगा, फोकस कौन कौन से जिलों पर होगा, क्योंकि देखिए अगर अगर श्रेणी में बांटा जाए तो फिरोजाबाद की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और देखा जाए कन्नौज में भी बहुत ज्यादा मामले सामने आए, कानपुर में भी हमने देखा बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी, तो फोकस किस किन किन जिलों पर रहेगा सरकार का इस सर्विलांस अभियान के जरिए? बिल्कुल, अगर हम देखें तो 28 जिले प्रदेश के ऐसे हैं जहां कोरोना शून्य हो चुका है और अगर हम देखेंगे तो 26 जिले ऐसे हैं जहां पर जो स्थिति है वो सिंगल डिजिट में, जो संक्रामक व्यक्ति हैं वो केवल सिंगल डिजिट में बचे हैं। जहां तक रातमय बुखार, डेंगू और वायरल फीवर की बात है तो कई ऐसे जिले हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार फोकस कर रही है जिसमें फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर, कानपुर देहात, इसके अलावा इटावा, कन्नौज और साथ ही साथ प्रयागराज, राजधानी लखनऊ, ये वो जिले हैं जिन पर सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार फोकस कर रही है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर तत्काल तेजी के साथ ट्रेसिंग की जाए और जो भी ऐसे सिम्टोमिक मरीज हैं जिनमें किसी तरीके के वायरल या डेंगू के सिम्टम्स हैं उनको तेजी के साथ ट्रेस करते हुए उनका इलाज शुरू किया जाए। एहतियात के तौर पर सफाई अभियान भी जिलों में चलाया जा रहा है, नगर निगम की तरफ से, नगर विकास विभाग की तरफ से,
लगातार हर वो सुबह कोशिश की जा रही है। बिल्कुल देखिए, इसकी जरूरत भी थी, एसके वाजपेयी इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि रहस्यमय बुखार जो है धीरे धीरे पांव पसार रहा था और 28 जिले जैसा कि आपने बताया उनको चपेट में ले चुका है और आगे भी जो है इसका कहर कम होता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में देखना होगा कि सर्विलांस की जो टीम निकलेगी वो किस तरीके से लोगों को ट्रेस करेगी, ट्रीट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया एसके इन तमाम जानकारियों के लिए। हमसे जुड़ने के लिए खबर आगरा से लेते हैं। तो पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, 25,000 का इनामी मुकेश जाटो घायल हुआ है। घायल बदमाश एसएन अस्पताल में भर्ती है। थाना न्यू आगरा के पोया घाट पर ये मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामिया मुकेश जाटो घायल हुआ है। ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। घायल बदमाश एसएन हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया है। यह खबर आपको बता दे, थाना न्यू आगरा के पोया घाट पर यह मुठभेड़ हुई। आज मुकेश जाटो नाम का अपराधी जो 3 वर्षों से गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित था और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था, उसे आज थाना न्यू आगरा की टीम और SOG टीम ने दौराने मुठभेड़ गिरफ्तार किया। ये हाथरस का रहने वाला है और एक साथी चोर है। इसके ऊपर 14-15 मुकदमे हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों से और यहाँ पर इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा मिला है। ये यहाँ पुलिस ने अपनी टीम को मुखबिर की सूचना पर टीम बिछा रखी थी और उसी दौरान ये मुठभेड़ हुआ। खबर गाजियाबाद से है। पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में एक शातिर लुटेरा घायल हुआ, एक गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से अवैध हथियार के साथ नकदी बरामद की गई है। अभियुक्तों के पर कई थानों में पहले से मुकदमे दर्ज थे। थाना मसूरी इलाके के नाहल झाल के पास ये मुठभेड़ हुई। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता दें कि कई थानों में पहले से मुकदमे दर्ज थे। कब्जे से अवैध हथियार के साथ कुछ कैश भी बरामद हुआ है। थाना मसूरी इलाके के नाहल झाल के पास ये मुठभेड़ हुई है। गाजियाबाद की ये खबर आपके सामने, पुलिस और लुटेरों के साथ ये मुठभेड़ हुई। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर आगरा की जहाँ पर मुठभेड़ हुई और बदमाश घायल हुआ। दूसरी तस्वीर देखिए गाजियाबाद की जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई, शातिर लुटेरा घायल हुआ, एक गिरफ्तार हुआ। कब्जे से अवैध हथियार के साथ कैश बरामद किया गया है। आप दोनों तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अभियुक्तों पर कार्रवाई हुई है, आगरा और गाजियाबाद। बात बुलंदशहर की करते हैं। तो बुलंदशहर के बाल सुधार गृह में बाल बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से हड़कंप मच गया। मृतक बाल बंदी के परिजनों ने बंदी गृह प्रशासन पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया है। हालांकि प्रशासन ने आरोपों को नकारते हुए बाल बंदी की मौत को सुसाइड बताया है। वहीं DM ने मामले की जांच नगर मजिस्ट्रेट को सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक मृतक जिला गजरौला के थाना अमरोहा के सुल्तानपुर का रहने वाला था और युवती को भगा ले जाने के मामले में बाल बंदी गृह में उसे लाया गया था और बीते दिनों संप्रेक्षण गृह से फरार हुए 5 किशोर में वो शामिल था, जिसे 2 दिन बाद ही बरामद कर लिया गया था। जेल के अंदर कब से बंद है जेल में? ये है 30 जुलाई से। अच्छा, किस में जेल गए थे? किस मामले में जेल गया था? लड़की के चक्कर। अच्छा, तो आपने कब मिल गए थे उससे? परसों मिल गया था भाई, शनिवार। तो क्या बताया था उसने? बताया था कुछ? लड़के ने बताया था कि पापा मुझे यहाँ से निकाल लो। और पापा मुझे निकाल लो वरना जान से मार देंगे, मुझे बहुत मार देंगे। अच्छा, तो मैं लोग वो कह रहे जो स्टाफ खड़ा था, बोले कौन मारता, तो ये पता कौन मारता? बोले पापा जो स्टाफ बैठा ना सारा, ये सब मिले गए। ये पता क्या कहते हैं लड़कों से बाद में जाओ, रोहित ने जरा कपड़े का खबर लिया, आज शिकायत कर रहा था, बहुत अपने मम्मी पापा से जो भी आया मिली, ठीक है, बहुत अच्छी जगह शिकायत वो करना इसकी, ठीक है, तो मुझे अंदर जाकर मारते हैं। अगर मैं शिकायत करता हूँ तो मारते हैं, ना करता हूँ तो कोई बात नहीं, टॉर्चर किया। तो DM ने मामले की जांच जो है वो नगर मजिस्ट्रेट को सौंप दी है। अब जांच में पता चलेगा कि ये सुसाइड था या 3rd डिग्री था, क्योंकि प्रशासन जो है वो आरोप लगा रहे कि 3rd डिग्री दिया गया, उसके बाद मौत हुई उस किशोर की। लेकिन पुलिस प्रशासन का यानी जेल प्रशासन का कहना है कि ये एक सुसाइड है। बाल सुधार गृह में बाल बंदी की संदिग्ध मौत का ये पूरा मामला, बुलंदशहर से ये खबर। प्रशासन पर 3rd डिग्री देने का गंभीर आरोप लगा है।
जांच की बात की गई तो डीएम ने मामले की जांच नगर मजिस्ट्रेट को सौंप दी। अब जांच के बाद ही चलेगा केस आरोप में कितनी सच्चाई है। प्रशासन पर थर्ड डिग्री देने का आरोप लगा। बुलंदशहर की खबर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाल सुधार गृह की। इसी मामले में इस किशोर को बाल सुधार गृह भेजा गया था और वहां पर इसकी संदिग्ध मौत हुई। हालांकि जो प्रशासन है जो वो बता रहा है कि सुसाइड है, हालांकि थर्ड डिग्री की बात भी सामने आ रही है। कन्नौज से खबर है, कार मैकेनिक पर दबंगों ने हमला किया है। दबंगों ने मैकेनिक को लात घूसों से जमकर पीटा है। दुकान पर सामान खरीदने गया था ये मैकेनिक। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामूली बात पर ये कहा सुनी हुई थी तो दबंगों ने मैकेनिक को लात घूसों से जमकर पीटा है। वीडियो भी सामने आया है, कार मैकेनिक पर दबंगों ने हमला किया। कन्नौज से यह खबर, दबंगों ने मैकेनिक को लात घूसों से जमकर पीटा है। दुकान पर बताया जा रहा है कि सामान खरीदने गया था, तभी वहां पर दबंग पहुंचे और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। कन्नौज से यह खबर, कार मैकेनिक पर दबंगों ने हमला किया है। मैकेनिक को लात घूसों से जमकर पीटा गया है। दुकान पर सामान खरीदने गया था, तभी वहां पर अचानक से दबंग पहुंचे, उन्होंने हमला कर दिया और उसकी पिटाई की गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तस्वीर का जिक्र हमने किया था वो आपके सामने है। देखिए किस तरीके से पिटाई का ये वीडियो है वो वायरल हो रहा है, किस तरीके से उसको पकड़कर पीट रहे हैं ये दबंग। एक महिला भी बीच बचाव की कोशिश वहां पर कर रही है। दुकान पर सामान खरीदने गया था कार मैकेनिक, लेकिन वहीं पर दबंग पहुंचे, उसके साथ देखिए किस तरीके से हाथापाई कर रहे हैं, किस तरीके से उसके साथ मारपीट की गई। कन्नौज का ये मामला, वीडियो सामने आया, एक महिला भी बीच बचाव करती नजर आ रही है, लेकिन 3-4 दबंग वहां पर आपको दिख रहे हैं और किस तरीके से कार मैकेनिक की पिटाई कर रहे हैं। देखो राहुल हमारे सहयोगी कन्नौज से सीधा जुड़ गए हैं। राहुल बताएं क्या था ये पूरा मामला, क्यों पिटाई की गई कार मैकेनिक को, क्या कार्रवाई हुई? देखिए जिस तरह कुछ लोग अपनी कार को रिपेयरिंग कराने गए थे, इसके बाद जब उसने रिपेयरिंग किया, इसके बाद जब उसने पैसे मांगे तो उन लोगों ने उसके साथ मारपीट पर आमादा हो गए। इसी बीच वहां पर एक अन्य महिला भी जो अपनी कार रिपेयर करा रही थी, उन्होंने बीच बचाव किया, लेकिन दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे, वह बराबर महिलाओं के साथ भी अभद्रता कर रहे थे और साथ ही कार मैकेनिक के साथ भी मारपीट की। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची जहां उन्होंने जांच पड़ताल की। हालांकि उन दोषियों के खिलाफ पुलिस ने अभियोग भी दर्ज कर लिया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन का क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जिस तरह जब यह वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने इस वीडियो के आधार पर उन दबंगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और उनका कहना है जल्द ही इस वीडियो के आधार पर उनकी शिनाख्त कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।